नमस्कार दोस्तों, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हो और ऐसी कोई स्ट्रैटेजी तलाश कर रहे हो कि जो आपको एग्जैक्टली एंट्री एग्जिट का इंडिकेशन दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ऑप्शन एक्स। ये एक इंट्राडे इंडिकेटर है जो आपको ऑप्शन में गाइड करेगा। किसी भी स्ट्राइक प्राइस को जब आप इस स्ट्रैटेजी के बेस पर एनालाइज करो तो परफेक्टली आपको 10% का रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस स्ट्रैटेजी के बेस पे आपको हेकेनेशी कैंडल्स प्लॉट होके मिलेगी। अगर आप हेकेनेशी कैंडल्स में कंफर्टेबल ना हो तो आपको राइट क्लिक करना है, पैरामीटर्स में जाना है और यहाँ पे हेकेनेशी को चेंज करके कैंडलस्टिक को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से ये नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको प्लॉट करके मिलेंगे। अब स्ट्रैटेजी में जब कोई भी कॉल आता है तो आपको बाय का इंडिकेशन ग्रीन कलर का एरो के साथ शो होके मिलेगा। उस समय आपको एंट्री लेनी है या फिर आपको कितना टारगेट प्रेफर करना है, ये आपको कैसे पता लगेगा? उसके लिए इंडिकेटर आपको कुछ एडवांस कंफर्मेशन देता है जो आपको देखना होता है, उसके बेस पे आपको एंट्री लेनी होती है। वो कौन से ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये बाय कॉल कंसिडर करते हैं जो मॉर्निंग में आया था और हम देख रहे बैंक निफ्टी का 41,300 का कॉल। ये वीकली ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, आप इसके बेस पे निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो। हम कंसिडर करेंगे ये कॉल। अब इस कॉल को जब आप एनालिसिस करो तो आपको देखना है कि नीचे वॉल्यूम आपका ग्रीन होना चाहिए, बायर्स सेलर्स में बायर्स का परसेंटेज मैक्सिमम होना चाहिए, ट्रेंड लाइन ग्रीन में होनी चाहिए और आपको जो भी ट्रेड लेना होता है वो एंड ऑफ द कैंडल लेना होता है। अब एंड ऑफ द कैंडल का मतलब ये होता है कि कैंडल जब खत्म हो जाए उसके बाद आपको एंट्री बनानी है, ठीक है? तो ये जो टाइमर दिया गया है आप ये देख सकते हो, ये टाइमर आपको फॉलो करना है। जब कोई भी कैंडल कॉल देना स्टार्ट करे तो ये टाइमर जीरो होने तक का आपको वेट करना है, उसके बाद ही आपको एंट्री का प्लान करना है। इस तरह का एनालिसिस आपको कॉल को लेके करना है। तो फर्स्ट टारगेट आपको इजीली 10% का रिटर्न दे जाता है। तो ये रहा फर्स्ट कॉल, आज जो जनरेट हुआ था 100 रुपीज कह रहा हूँ, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट बना एक लॉट के बेस पे, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन है तो एक लॉट के बेस पे आपको 2,500 का इन्वेस्टमेंट बना क्योंकि 100 का आपका एंट्री पॉइंट था और जो फर्स्ट टारगेट था इसका 110.55 का। इजीली आप देख सकते हो इसने आपको जो टारगेट दिया वो अराउंड थर्ड टारगेट पे आपको इजीली मिल चुका था, जो कि थर्ड टारगेट था आपका 151 का और इसने जो हाई लगा के दिया 154 का। तो फर्स्ट कॉल ये रहा और उसके बाद एक कॉल आया था जो कि परफेक्ट कॉल नहीं था। क्यों परफेक्ट कॉल नहीं था? क्योंकि एज पर द डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई उसके हिसाब से नीचे वॉल्यूम नहीं था, तो ये कॉल में आपको ट्रेड नहीं करना है। ऐसे कॉल आपको अवॉइड करने हैं, फोर्सफुली आपको कोई भी फेक कॉल में ट्रेड नहीं लेना है। हालांकि आप देख सकते हो ये कॉल भी जो आया था ये अराउंड आया था 203 रुपये पे और इजीली आपको फर्स्ट टारगेट जो कि था 224 का, तो जो हाई इसने आपको दिया 226 का अराउंड हाई ये कॉल में भी आपको मिल चुका था। तो इस तरह का फेक कॉल भी आपको टारगेट दे जाता है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि आप ओनली परफेक्ट कॉल में ट्रेड करो और फर्स्ट टारगेट प्रेफर करो ताकि एक या दो कॉल आपको दिन के मिलेंगे परफेक्टली आपको वो प्रॉफिट दे जाएंगे, आपका कोई भी लॉस में ट्रेड नहीं जाएगा। परफेक्ट कॉल आप ट्रेड करो और इजीली आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।